खरगोन जिले के कसरावर क्षेत्र में पिछले दिनों हुई लगातार बारिश से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। बड़ी नुकसानी के बाद भी खराब फसलों का सर्वे नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री बीमा योजना के लाभ पाने के लिए कसरावर क्षेत्र के एक दर्जन गांव के 90% किसान खराब कपास के पौधे लेकर तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां तहसीलदार विवेक सोनकर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कसरावर तहसील के ग्राम मुल्ठान, खामखेड़ा, पिपलगोन, बोरावा, अमलाथा सहित एक दर्जन गांव के सैकड़ों किसान खराब फसलों के पौधे लेकर तहसील कार्यालय पहुंचे। किसानों ने बताया कि पिछले दिनों लगातार बारिश हुई थी, कपास के पौधे पर थोड़ा फल लगा था, लेकिन बारिश के चलते वह भी खराब हो गया, जिससे अब उत्पादन मिलना नामुमकिन है। ऐसी स्थिति में किसानों को खाद, बीज, दवाई व मजदूरी का खर्च मिलना भी मुश्किल हो रहा है। किसानों ने बताया कि उन्होंने फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा करवा रखा है और कपास बीमा क्लेम तहसील इकाई के आधार पर मान्य है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों का सर्वे नहीं हो पा रहा है। किसानों की मांग है कि खराब फसलों का सर्वे कर किसानों को 100% नुकसानी मानकर अधिक से अधिक बीमा राशि दिलाई जाए। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। ये हमारे पूरे तहसील कसरावत की कपास फसल पूरी खराब हो चुकी है। इसके सर्वे, बीमा या मुआवजे के लिए हम आज तहसीलदार महोदय के यहाँ आए थे और करीबन पूरी तहसील के किसान थे। कहाँ तक के खराब हो गई है? कपास 95% पूरी खराब है। कपास फसल खराब हुई है? सारी फसल खराब हुई है, पर यहाँ 90-95% कपास की खेती होती है। जो किसान यहाँ पर आए हैं, क्या मांगे आपकी? क्षेत्र में जो पूरी तहसील में हमारी वर्तमान में लगातार बारिश होने से कपास की फसल पूर्ण रूप से खराब हो चुकी है। हम किसानों का लागत खर्च भी निकलना मुश्किल है। तो हम शासन से मांग करने आए कि या तो हमें बीमे का लाभ दिया जाए, या फिर शासन अपने स्तर से हम किसानों का अधिक से अधिक मुआवजा दे, ताकि हम किसान इस संकट की घड़ी से उबर सके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के धार जिले में